टाटा मोटर्स ने फिर से धूम मचा दी है इलेक्ट्रिक स्पेस में। इसका यह मतलब है कि टाटा मोटर्स की तरफ से एक और गाड़ी आ चुकी है और वो है ये टाटा टियागो ईवी। सबसे बढ़िया बात है इसकी प्राइसिंग। शुरुआत होती है 8,49,000 रुपीज़ एक शोरूम से और इसका जो टॉप मॉडल है वो जाता है 11,80,000 रुपये तक लगभग। और वैसे ये एक शोरूम प्राइसेस है और ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है पहले 10,000 कस्टमर्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें आपको सारी बातें बताने वाले हैं, स्पेसिफिकेशन, गाड़ी की स्पेस, गाड़ी की प्राइसिंग और बहुत सारी फीचर्स इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो अगर इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो खास बदलाव नहीं है, काफ़ी मामूली से डिफरेंसेस है, पर वो मामूली से डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा चेंज ला देते हैं। जैसे कि ये ब्लू हाइलाइट्स, ग्रिल के करीब ब्लू हाइलाइट्स है और फॉग लाइट्स के बगल में भी ब्लू सराउंड्स है। इसका जो ग्रिल है वो ग्लॉस ब्लैक है जो कि एक काफ़ी अच्छा क्लासी टच है। उसके ऊपर आपको ईवी की बैजिंग मिल जाती है और जो बम्पर है उस पर आपको टाटा का एरो डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन फिलोसॉफी, वो देखने मिलती है। तो अब बढ़ते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ और वैसे ज़्यादा बदलाव तो आपको देखने नहीं मिलेंगे, पर खास खास बातें हैं जैसे कि ये ग्लॉस ब्लैक मिरर कैप जो मुझे काफ़ी पसंद आया है और फेंडर पर एक ईवी बैज है टू टेल यू दैट ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इसके जो व्हील कैप की डिज़ाइन, हाँ दोस्तों ये एक्चुअली व्हील कैप्स है, ये अलॉय व्हील नहीं है, अलॉय व्हील इसके पीछे है जो व्हील कैप ने अच्छे से छुपाया है और व्हील की साइज़ है 14 इंचेस। और अगर और बाकी की चीज़ें देखोगे साइड से दोस्तों तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मामूली सा कम है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड पेट्रोल टियागो। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 166 mm, जो नॉर्मल ग्राउंड क्लियरेंस है टियागो का वो है 170 mm, बट आई डोंट थिंक सो वो इतना कुछ आपको फ़र्क ला देगा बिकॉज ऑफ 4 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। अब सीधे बात करते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस पर, और इसकी जो बूट स्पेस है वो ज़रा सी कॉम्प्रोमाइज है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड टाटा टियागो। स्टैंडर्ड टाटा टियागो से ये सिर्फ 2 लीटर कम है जो आपको ज़्यादा महसूस भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक बड़ा चेंज आ गया है, इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता, इसमें आपको टायर रिपेयर किट मिलती है और जहाँ पर स्पेयर व्हील माउंट होता है वहाँ पर इस गाड़ी की बैटरीज है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको आपके बूट स्पेस में एक चार्जर मिलता है जो इतना बड़ा है और ये आपकी बूट स्पेस की जगह थोड़ी सी कंज्यूम कर सकता है। वैसे दोस्तों पीछे स्टाइलिंग में ज़्यादा बदलाव तो किए गए नहीं है, लेकिन टाटा ने एक बहुत ही खास चीज़ की है, वो है टाटा टियागो ईवी की लेटरिंग। एंड ये डबल स्पेस्ड है और इन माई ओपिनियन ये बहुत ही क्लासी लगता है इतनी छोटी सी गाड़ी पर। तो अब आ चुके हैं हम टाटा टियागो ईवी की पिछली सीट पर। पिछली सीट की कुछ सीटिंग हल्की सी फॉर्म है लेकिन काफ़ी लाइकेबल है। इसकी स्टिचिंग की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दोस्तों स्पेस ज़रा सी कम है। अगर आप देख सकते हैं तो लेग रूम मुझे थोड़ी कट टू कट है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस। यहाँ पर 3 लोग एक साथ शायद ना बैठ पाए या लंबी जर्नी के लिए ना बैठ पाए, लेकिन अगर आप 4 लोग हो गाड़ी में, आगे 2 पीछे 2, तो फिर ये काफ़ी बढ़िया जगह है। और वैसे और एक बात बता दूं दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है और ये विंडोज़ बड़ी होने के कारण आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है बाहर का। लेकिन एक दिक्कत है, इसकी विंडो पूरी तरह से नीचे नहीं होती, इतनी सी ऊपर रह जाती है। सो टाटा टियागो की ड्राइवर सीट काफ़ी फर्म है, जैसा मैंने पहले भी कहा पीछे वाली सीट के बारे में। बोल स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है, सारे कंट्रोल्स आपके रीच में है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपकी रीच में है, एसी क्लाइमेट कंट्रोल आपके रीच में है, यहाँ पर है आपका ड्राइव सिलेक्टर और स्टीयरिंग काफ़ी अच्छे से पोजिशनड है। और वैसे ये प्लास्टिक की क्वालिटी जो है ना, ये काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है पर ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। और एक और बात है, टाटा ने आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश दिए है और उसी के साथ साथ ब्लू हाइलाइट्स है, जैसे हमने गाड़ी के एक्सटीरियर पे देखा था सेम हाइलाइट्स आपको अंदर भी देखने मिलते हैं। वैसे ऑल इन ऑल इट इज अ गुड कैबिन टू बी इन। तो दोस्तों अगर इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करते हैं तो ये हरमन की तरफ से है और गाड़ी में आपको 8 स्पीकर मिलते हैं, मतलब 4 स्पीकर और 4 ट्विटर। और वैसे इसमें काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं आपको, लगभग 45 कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं और वो सारे कनेक्टेड फीचर्स आप एक्सेस कर पाओगे आपके स्मार्टफोन एप्लीकेशन से। तो अब जल्दी से बात करते हैं टाटा टियागो के हार्ट की, इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक मोटर है। वैसे मैं जल्दी से बता दूं, आपको 2 वेरिएंट्स में आपको गाड़ी मिलेगी, ये एक लो बैटरी कैपेसिटी और एक हाई बैटरी कैपेसिटी के साथ। लो बैटरी कैपेसिटी जो है वो 19.2 किलोवाट आवर की है और जो हाई बैटरी कैपेसिटी है वो 24 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है। और दोनों बैटरी की रेंज में आपको जल्दी से बता दूँ, जो छोटी बैटरी की रेंज है वो क्लेम्ड है 250 किलोमीटर्स की और जो हाई बैटरी, जो लार्जर बैटरी कैपेसिटी है उसकी रेंज है, क्लेम रेंज है
315 किलोमीटर की। ऑफ कोर्स इसकी जो रेंज है वो रियल वर्ल्ड में थोड़ी सी अलग होगी, तो जब हम गाड़ी चलाएंगे तब हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हमें रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज मिली है। तो अगर दो बैटरी ऑप्शन है इसका ये मतलब है कि पावर आउटपुट भी दो ऑप्शन हो गए आपके, और जो लोअर वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है 61 हॉर्स पावर का मोटर, और जो हायर वेरिएंट है यानी कि ये वाली गाड़ी इसमें आपको मिलता है 74 हॉर्स पावर का मोटर। वैसे दोनों की 0 to 60 टाइमिंग मैं आपको जल्दी से बता दूँ, जो छोटी मोटर है जो कम पावर की मोटर है उसकी जो 0 to 60 नॉट 100 किलोमीटर 0 to 60 टाइमिंग जो है वो लगभग 6 सेकंड है, पर जो ये वाली मॉडल है इसकी 0 to 60 की जो टाइमिंग है वो है क्लेम्ड 5.7 सेकंड्स, जो डिसेंटली क्विक है। तो ये बॉनेट जल्दी से बंद करने से पहले मैं आपको बता दूँ इसका इंजन बे ये मोटर बे के बारे में। यहाँ पर आपको डिसेंट सा प्लास्टिक कवर मिल जाता है, रबर लाइनर मिल जाता है यहाँ पर, और साथ ही साथ इसको एक कैबिन इंसुलेशन और फायरवॉल जो बोलते हैं वो मिल जाता है, लेकिन वो कम लग रहा है क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल पावर्ड नहीं है। पेट्रोल पावर टियागो में डेफिनेटली हल्के से वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक मोटर है और इलेक्ट्रिक मोटर्स में काफ़ी कम वाइब्रेशंस होते हैं। लेकिन ये रियल वर्ल्ड में गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी इसका वीडियो हम ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो फिर बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी टाटा की टियागो ईवी। आप हमें लिखकर बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। इसकी प्राइसिंग की शुरुआत होती है 8,49,000 रुपीज़ से, और ये काफ़ी अफोर्डेबल ऑफरिंग है इन द सेगमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और व्हाट कार इंडिया के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।